Okay, so let's begin with block second, The Binding Vine by Shashi Deshpande. There are four units as usual. The unit one will introduce us to the novel. Unit second will be based on the summary and analysis of The Binding Vine. Unit three will cover the themes in The Binding Vine, and unit four will deal with the characterization. All right. Now let's begin with unit first. In unit first, we are going to get introduced to the novel. What is a novel? And different aspects and types of novel. So first of all, novel is a genre of English literature. As you know that English literature has got several genres like poetry, prose, drama, genre, anything. So this novel is a genre of literature. And here, studying a novel is different from reading a novel. So kabhi bhi hum novel padhte hain, wo different hota hai aur usko study karna thoda different hota hai. क्योंकि जब हम नॉवल पढ़ते हैं ना तो हम क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ते हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. हमें ये जानने की एक तरीके से एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होने वाला है. बट ऑन दी अदर हैंड जब हम स्टडी करते किसी नॉवल को तो हाँ ये तो देखते ही है कि आगे क्या होने वाला है. बट साथ ही साथ हम जज करते हैं कि राइटर ने किस तरीके से अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया है, उनका स्टाइल क्या है, उनका टेक्निक क्या है, प्लॉट क्या है, कैसे न्यू चीजें खुल के सामने आ रही है, क्या वो नॉवेल इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है. ये सब चीजें हम जज करते हैं वाइल रीडिंग और स्टडिंग अ नॉवेल. एंड स्टडिंग में यही डिफरेंस है कि प्रॉपर स्टडी करते हैं, एक एक स्टाइल और टेक्निक पे ध्यान देते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस पे ध्यान देते हैं, बहुत चीजों पर ध्यान देते हैं. वॉट इज अ नॉवल? अब नॉवल क्या है? द नॉवल कैन बी डिफाइन इन ब्रॉड टर्म्स एज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन विच ड्रामेटाइजेस लाइफ विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन. तो ये एक प्रोज फिक्शन का पार्ट है जो कि लाइफ को एक ड्रामेटाइज्ड फॉर्म देता है. बट इसको ड्रामा नहीं कह सकते बिकॉज ड्रामा में हर एक कैरेक्टर का डिफरेंट डायलॉग होता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म की स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स और सिचुएशन के हेल्प से लाइफ को ड्रामेटाइज किया जाता है. बेसिकली जो नॉवेल्स होते हैं वो लाइफ के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एटमोस्फियर, ये सब चीजें इसके कुछ पार्ट्स हैं, फीचर्स हैं. यूनिवर्सल अपील. अब ये यूनिवर्सल अपील की पॉइंट ये है कि कोई नॉवल कितनी अच्छी है वो पता चलता है उसके थीम से, उसकी थीम यूनिवर्सली कितनी अपीलिंग है, वो चीज कि दुनिया भर के लोग उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, उसको कितना समझ पा रहे हैं, वो चीज. सो अब लेंथ की बात करते हैं. लेंथ की चीज ना बहुत नॉलेज वाली चीज है, आप इसको ध्यान रखना. तीन टाइप की नॉवेल्स नहीं बोलेंगे उसको, तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है. पहले तो शॉर्ट स्टोरी, देन नॉवेला, देन नॉवेल. शॉर्ट स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में होती है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, एक से दो पेज में खत्म हो जाती है, यूजुअली 5-6 पेजेस. एंड नॉवेला वो होता है ना जो 50,000 वर्ड से कम होता है, तो उसको नॉवेल नहीं, उसको नॉवेला कहते हैं. और 50,000 वर्ड्स जो रीच कर जाती है उसको नॉवेल कहते हैं. सो इसी वजह से रॉबिन्सन क्रूसो, एक जो नॉवेल है डैनियल डिफो की, उसको बोला जाता था कि वो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फर्स्ट नॉवेल है. बट बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज उसकी जो लेंथ है वो नॉवेल की लेंथ से मैच नहीं होती, विच इज 50,000 वर्ड्स. उसको नॉवेला बता दिया गया. एंड बाद में सैमुअल रिचर्डसन की जो नॉवेल है पैमेला, उसको बोल दिया गया कि वो फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश है. देन द शॉर्ट स्टोरी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. शॉर्ट स्टोरी ऑफकोर्स 2-3 पेज की होती है, तो उसमें जो स्टोरी है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसमें आपको डिस्कवर करने का चांस नहीं मिलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है, सिचुएशन क्या है. वो बहुत ही शॉर्ट होती है और बहुत क्विक एक समरी टाइप की होती है, जो आपको थोड़े ही टाइम में एक पर्टिकुलर थीम पे कुछ आइडिया देकर चली जाती है, खत्म हो जाती है. ओके, सो इससे कोई क्वेश्चन आएगी तो आई एम श्योर आप उसको ऑप्ट कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे. एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, थीम, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल. नॉवल के ये एस्पेक्ट्स हैं, इस पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है. किसी भी नॉवल को पढ़ते टाइम, हम स्टडी करते टाइम, हम यही सब चीजें नोटिस करते हैं कि उसकी थीम क्या है, उसका प्लॉट कैसा है, कैरेक्टराइजेशन कैसा है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और स्टाइल कैसा है. सो थीम क्या होती है, आपको ऑलरेडी अब तक पता चल गया होगा कि वो सेंट्रल आइडिया है किसी भी नॉवल की. वो एक आर्ग्यूमेंट और इन कोई इशू पे लाइट डालती है. और थीम्स तो आप डे टू डे लाइफ में भी देखते होगे, समझते होगे, जितने भी सेमिनार्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है कहीं पे, तो जो लोग होते हैं ना, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर थीम पुटअप करते हैं कि इसी थीम पे सब कुछ बेस्ड होगा. जो भी कल्चरल इवेंट्स होने वाले होंगे वो सब कुछ उस पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होगा. सो वो जो थीम है वो सेंट्रल आइडिया बन जाती है उस फंक्शन का. ओके, सो वो एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, वो कोई इशू हो सकती है डे टू डे लाइफ की. सो प्लॉट पे आते हैं. प्लॉट की बात हो रही है तो
प्लॉट के बारे में मैंने ब्लॉक वन में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है. वो बिगिनिंग मिडिल और एंड से डील करती है, एंड जो प्लॉट होती है तो कैरेक्टर्स इवेंट्स और एक्शंस के साथ आगे फॉरवर्ड होती है, एडवांस होती है. एंड एक नॉवल में प्लॉट के साथ सब प्लॉट भी मौजूद होती है, बट कभी कभी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर नॉवल में ऐसा होगा, बट मेजोरिटी नॉवल्स में एक प्लॉट और एक सब प्लॉट होता है ताकि नॉवल बोरिंग नहीं हो, एक दो स्टोरी हो लोगों को टाइम टू टाइम एंटरटेन करने के लिए. और ये दोनों अलग अलग नहीं रन करते, विच मीन्स कि इनकी स्टोरी ना डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट ऐसा नहीं होता. कुछ दोनों के बीच में एक लिंक होती है, ठीक है, और वो मेन थीम से लिंक्ड होती है. जैसे कि द बाइंडिंग वाइन, ये नॉवल हम लोग इस ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं. सो द बाइंडिंग वाइन में जो मेन प्लॉट है वो उर्मी का ग्रीफ है, उसके खुद की छोटी बेटी को जो डेथ हो जाती है ड्यू टू सम इलनेस, सम डिजीज. और सब प्लॉट्स क्या है तो मीरा और कल्पना की. सो ये जो थीम्स हैं, ये जो सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स हैं, ये सारे के सारे थीम्स से रिलेटेड है. और वो थीम किसकी है, तो रेप एंड डेथ की. नेक्स्ट कम्स कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर्स को जो है, जो राइटर है, जो ऑथर है नॉवेल का, वो कैरेक्टर्स को कुछ क्वालिटीज देते हैं. और वो क्वालिटी कैसे हमें पता चलती है, उनके एक्शंस के थ्रू. देन इफ अ कैरेक्टर मूव्स अस एंड रिमेन्स इन आवर मेमोरी, वी से दैट द कैरेक्टराइजेशन इज पावरफुल. अगर हमने किसी के बारे में नॉवेल में पढ़ लिया एंड उसके बारे में हमें बहुत दिन तक याद रह गया, हमारे मेमोरी में रह गया, तो कह सकते हैं कि वो कैरेक्टराइजेशन काफी पावरफुल है. जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट. तो जो भी नॉवेल को पढ़ते हैं उसको ओलिवर ट्विस्ट हमेशा तक याद रह जाती है. हार्डीज टेस्ट इन टेस्ट ऑफ जर्वर बिव. ओके, सो ये सारे जो भी कैरेक्टर्स है ना, वो अपने अपने नॉवेल से काफी इन्फ्लुएंस डाले रीडर्स के ऊपर और वो लोगों को याद रहते हैं. सो इससे कह सकते हैं ये जो नॉवलिस्ट है, इनका कैरेक्टराइजेशन का आर्ट काफी पावरफुल है. पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होगा कि कौन सा पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. सो द पॉइंट ऑफ व्यू जो होती है ना, वही कंट्रोल करती है एक्शन को और इवेंट्स को. और अ कैरेक्टर में टेल हिज टेल इन द फर्स्ट पर्सन मोड. फर्स्ट पर्सन यानी आई का यूज करके, तो उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं. ऑन द अदर हैंड द थर्ड पर्सन नरेटर, आपको पता होगा थर्ड पर्सन, कि कोई और जिसने वो सब चीजों को देखा है और वो अपने व्यू से हर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है, एंड वो ही एजेंट है स्टोरी का जो डिस्क्राइब करता है दूसरों के एक्शंस को, मोटिव्स को और थॉट्स को. तो हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू दूसरों को देख पाते, समझ पाते. सो ये सारी चीजें होती है नॉवल की. फिर नेक्स्ट पार्ट एस्पेक्ट है नॉवल की स्टाइल. स्टाइल मतलब नॉवल का लैंग्वेज और एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, खराब स्टाइल की यहाँ बात की जा रही है. जैसे कमला मार्कंडेया की एक जो बुक है नेक्टर इन अ सीव, इसमें एक कैरेक्टर है रुक्मणी. रुक्मणी बहुत ही सिंपल और सेमी लिटरेट फार्मर वुमेन है. तो एक तरीके से वो मिडिल क्लास से भी लोअर में बिलोंग करती है. सो सेमी लिटरेट है, उसे उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया है. लेकिन कमला मार्कंडेया ने ऐसे कैरेक्टर के मुंह से एक ऐसा डायलॉग डाला जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है, जो लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो डायलॉग काफी हाई साउंडिंग फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है. तो कोई इतना कम पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके की फिलोसॉफिकल बातें कैसे कर सकता है, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है. तो इसे लोग कहते हैं खराब स्टाइल. और इसके वजह से जो नॉवेल का इम्पैक्ट है वो प्रॉपर तरीके से ऑडियंस के ऊपर नहीं आ पाता. नेक्स्ट अगर चलते हैं, तो ये सारा कवर हो गया एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल. टाइप्स ऑफ नॉवेल पे आते हैं. तो एस्पेक्ट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है कि आप एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल बताओ या टाइप्स ऑफ नॉवेल बताओ. बट ऑन द अदर हैंड, अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि थीम क्या होती है, जैसे कि स्टाइल क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो सब वगैरह वगैरह चीजें आपको पूछी जा सकती है. टाइप्स ऑफ नॉवल में पिक्चरिस्ट नॉवल क्या होती है, गॉथिक नॉवल क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जितने टाइप्स होते हैं नॉवल के, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. और एक और तरीका होता है इग्नू, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती है अपने क्वेश्चन पेपर में, जो आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कि पर्टिकुलर चीज उठा लेती है, जैसे कि थीम और स्टाइल इन द बाइंडिंग वाइन. यानी आपको थीम और स्टाइल दोनों चीज बतानी भी है, बट उसको रिलेट करना है बाइंडिंग वाइन से, बताना है कि ये चीज बाइंडिंग वाइन में कैसी है, राइटर ने किस तरीके से लिखा है. तो आपको कुछ रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे फ्रॉम द नॉवेल. सो टाइप्स ऑफ नॉवेल शुरू करते हैं. काफी फॉर्म्स और टाइप्स होते हैं. यहाँ पे
पिकरस्क नॉवल की बात हो रही है, पिकरस्क नॉवल होती है पिकारो, पिकारो वर्ड से डिराइव है और इसका मतलब होता है अरोग। और ये जो पिकरस्क नॉवल होती है वो किसी पर्टिकुलर एडवेंचरर के लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स की बात करती है। और एक ऐसा इंसान के लाइफ में, ऑफ कोर्स ये तो पता ही है कि जो इंसान बहुत मूव करेगा, जगह जगह घूमेगा, उसके लाइफ में ज्यादा एडवेंचर्स होंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, तो वो इंसान अपने साथ एक डायरी भी रखता है साथ में, और वो अपने डिफरेंट एपिसोड्स, उसके साथ जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई है उसको वो अपने डायरी में मेंटेन करता है। सो नॉवल भी इसी तरीके से उस डायरी को डिफरेंट एपिसोड्स में दिखाता है, उसके जर्नी को अलग अलग एपिसोड्स में बांट कर दिखाता है। सो ये एक पिकरेस्क नॉवल हो गई, इसका एग्जाम्पल देख लो तो रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डिफो, टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। टॉम जोन्स काफी पॉपुलर है इन द फील्ड ऑफ पिकरेस्क नॉवल, और रॉबिन्सन क्रूसो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना भी है। गॉथिक नॉवल की बात की जाए तो गॉथिक नॉवल यूजुअली लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जिसमें भूत के बारे में बात की जाए, घोस्ट्स के बारे में बात की जाए, वही गॉथिक है। नहीं, वो तो है ही, बट साथ ही साथ दूसरी चीजें लाइक सस्पेंस, मर्डर, जिससे भी देख करके आपको थोड़ा सा फियर इवोक होता है, जिसको देखकर थोड़ा डर होता है, सस्पेंस होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो वो सब चीजें आती हैं गॉथिक नॉवल के अंडर। एंड हॉरेस वॉलपोल्स कैसल ऑफ ऑट्रांटो, अ गॉथिक स्टोरी रिटन इन 1764, ये गॉथिक नॉवल में सबसे पॉपुलर नॉवल है, हॉरेस वॉलपोल की कैसल ऑफ ऑट्रांटो। एपिस्टुलरी नॉवल, एपिस्टल मतलब एक लेटर, और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, मतलब एपिस्टुलरी नॉवल में जो भी स्टोरी बताई जा रही होती है वो उसका मीडियम होता है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, दो लोगों के बीच या जितने भी लोगों के बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हो रही है उसके बेसिस पे वो लोग स्टोरी बना देते हैं। ये बेसिकली पॉपुलराइज हुई थी 18th सेंचुरी में, सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था, पैमेला एंड क्लारिसा। तो मैं इसी पैमेला के बारे में बता रही थी कि ये इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट नॉवल है। साइकोलॉजिकल नॉवल, हैज इंटरेस्ट इन द इनर मोस्ट मोटिव्स एंड डिजायर्स ऑफ अ कैरेक्टर। तो साइकोलॉजिकल, जैसे आप समझ पा रहे हो, साइकोलॉजी से डिराइव्ड वर्ड है, तो साइकोलॉजी मतलब कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या डिजायर्स हैं, उसके लाइफ की क्या मोटिव है, क्या एम्बिशंस है, वो क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे लोगों से बात करता है, वो सब चीजें। जो बेसिकली आप ना, अगर आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम तो आप उसका साइकोलॉजी पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, बट अगर आप उसे रिपीटेड मिलते हो, स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के बारे में देख लो, तो आप अपने फ्रेंड्स जिसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसका साइकोलॉजी कितने अच्छे से समझ जाते हो, कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा और किस सिचुएशन को कैसे फेस करेगा, वो अपने लाइफ को किस तरीके से देखता है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें शेयरिंग से पता चलती हैं। तो ऐसी नॉवल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो खुद के बारे में बहुत चीजें बताते हैं। इसी में से एक पार्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, साइकोलॉजिकल नॉवेल के अंदर ही ये भी नॉवेल आती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, जो यूजुअली वर्जीनिया वुल्फ लिखती थी। काफी सारे इनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में इंक्लूड की गई है ये वाली टेक्निक। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है क्या कि जब आप लिखते हो ना, तो स्टोरी तो आप नरेट कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपके मन के अंदर जो चल रहा है वो भी आप लिख देते हो, तो वो सब पार्ट्स में ना डैशेस बहुत यूज किए जाते हैं, डैशेस, डॉट 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 डॉट, इसीलिए बिकॉज आपका जो इंटरनल थॉट्स है, जरूरी नहीं है कि उसका एक एंड हो। यूजुअली व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग वी डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, हमारे थॉट्स में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है, वी ऑलवेज डेविएट। सो ये सब जो नॉवेल्स थी, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, ये सबसे ज्यादा 20th सेंचुरी में पॉपुलराइज हुई थी। एंड देन कम्स हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल जैसा आप वर्ड से समझ पा रहे हो, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज, जिसमें जो कैरेक्टर्स या इवेंट्स है वो टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री। और कुछ मूवीज भी ऐसी है जैसे बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, इनको आप कह सकते हो एक तरीके से हिस्टोरिकल मूवीज है। सर वॉल्टर स्कॉट ने अपने ये नॉवेल इरान हो में भी बताया और इस तरीके की सेटिंग रखी थी। एंड इंडियन इंग्लिश फिक्शन में भी लिखा गया है हिस्टोरिकल नॉवेल थ्रू मनोहर मालगोनकर, द प्रिंसेस, द डेविल्स विंड, और सलमान रश्दी की काफी पॉपुलर नॉवेल है, हिस्टोरिकल है वो, मिडनाइट चिल्ड्रन। देन कम्स रीजनल नॉवेल, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन से डील करती है एंड द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो ये सब चीजें वो कवर करती है। नेक्स्ट थॉमस हार्डी की एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, थॉमस हार्डी ने अपने अपने नॉवेल्स में वेसेक्स नाम की एक स्पेसिफिक एरिया को बहुत हाईलाइट किया है और उन्होंने एक पूरी वर्क भी लिख दी है उसके ऊपर। देन आर के नारायण ने मालगुड़ी को बहुत एम्फेसाइज किया है, तो ये दोनों ने अपना एक इमेजिनरी टाउन बना लिया है। तो इमेजिनरी टाउन इसलिए बनाया बिकॉज काफी लोग ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं
रायट करने लगते हैं, जो लड़ने लग जाते कि आपने इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये चेंजेस कैसे कर दी। तो अब ये लोगों ने तो इमेजिनरी टाउन बना लिया, तो जो इमेजिनेशन है उसके लिए तो कोई नहीं लड़ेगा, और इससे उनको जो भी पब्लिक प्रॉब्लम्स होती है उससे उनको छुटकारा मिल जाता। सो दैट्स वाई ये लोग इमेजिनरी टाउन भी क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो द राइज ऑफ द इंडियन नॉवल इन इंग्लिश। तो जैसा मैंने ब्लॉक वन में भी बताया, हाईलाइट किया था कि बंकिम चंद्र चैटर्जी का राजमोहन्स वाइफ वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल एंड इट अपियर्ड इन 1864। नॉवल इन द 20th सेंचुरी। क्वेश्चन आ सकती है एडवांसमेंट, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं नॉवेल्स के, नॉवेल्स नहीं स्टोरी के बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो जैसा बाइंडिंग वाइन की बैकग्राउंड नॉवेल से रिलेटेड है तो इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 20th सेंचुरी में नॉवेल कैसे एडवांस की वो बताने के लिए। तो आपको शुरू करना होगा कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के स्पेसिफिक वर्क से। जैसे यहाँ मैंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड वेयर पब्लिश्ड इन 1919, फॉलोड बाय द रेक इन 1921 एंड गोरा इन 1923। तो ये सारे नॉवेल्स लिखने शुरू किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, बट ये लिखे गए थे बंगाली में, बाद में ट्रांसलेट कर दिए गए इंग्लिश में। उसके बाद मुल्कराज आनंद, जैसा आप जानते हो ब्लॉक वन से ट्रायो के बारे में, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। सो मुल्कराज आनंद की सबसे पॉपुलर बुक कौन सी है? अनटचेबल है। इसके थीम्स क्या है वो भी याद रखना होगा। ये डाउन ट्रोडन या डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रियलिटी ऑफ लाइफ से डील करती है, लाइक दलित जो थे उनके लाइफ से रिलेट करती है, और उसके अलावा जो लेप्रोसी ऐसे मतलब अनटचेबल वाला जो फीलिंग होता है ना वैसा कुछ, और कूल जैसे नाम से आपको क्लियर समझ आ रहा होगा अनटचेबल, किसी इंसान को पर्टिकुलर ऐसा कोई डिजीज है। वो उस टाइम में अनटचेबिलिटी कितना ज्यादा था ना, वो चीज उन्होंने दिखाया है कूली में कि जो भी पोर्टर होता है, पोर्टर का लाइफ कैसा होता है, कैसे लोग उसके साथ पे बिहेव करते हैं, वो सब चीजें। तो इस तरीके की चीजें मुल्कराज आनंद लिखते थे। राजा राव का इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स मेटाफिजिक्स एंड फिलोसॉफिकल स्ट्रेन इन हिज वर्क बिकेम द हॉलमार्क ऑफ हिज नॉवेल्स। आर के नारायण क्रिएटेड हिज नाउ फेमस मालगुडी एज अ सेटिंग टू हिज नॉवेल्स व्हिच ही गेव अस कंसिस्टेंटली फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स द वर्ल्ड ऑफ नागराज। तो ये सारे जो राइटर्स हैं इनके आपको नाम, थीम मतलब मेन थीम जिसपे बेस्ड होता था वो, और दो वर्क एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा ताकि आपका आंसर एनहांस हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि यही क्वेश्चन आए तभी वो लिखना, आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में भी ये सब इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट योर आंसर बिकम्स मोर इम्पैक्टफुल। ही वॉज लव्ड फॉर हिज आयरॉनिक विजन ऑफ लाइफ एंड हाँ आयरनी कितनी थी वो आपने देखा टाइगर फॉर मालगुडी में, कितना ज्यादा उन्होंने आयरनी का यूज किया है। सो ये तीनों नॉवलिस्ट को ट्रेलिंग ब्लेजिंग इंडियन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश कहते हैं, बिकॉज इनके बाद काफी नॉवलिस्ट इंस्पायर हुए थे इंग्लिश में लिखने के लिए। पहले तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो पहले तो इंडियन इंग्लिश नॉवल में काफी वीकनेस थी, वो लोग हेजिटेंट थे लिखे नहीं लिखे, और टेक्नोलॉजी भी मतलब टेक्निकली जस्ट नॉवल की जो टेक्निक होती है लिखने की टेक्निक वो भी उतनी स्ट्रांग और इनोवेटिव नहीं थी। विक्टोरियन एरा के जो नॉवेल्स थे उसको पढ़ करके ये लोग अपने नॉवेल लिखते थे, तो कहीं ना कहीं थीम भी सेम हो जाती थी, स्टोरी सेम हो जाती थी, तो कुछ नया देखने को नहीं मिलता। डेवलपमेंट फ्रॉम पोएट्री टू प्रोज एंड फ्रॉम रोमांटिक आइडियलाइजेशन टू वेरियस काइंड्स ऑफ रियलिज्म एंड सिम्बोलिज्म। ये लाइन याद रखना कि पोएट्री टू प्रोज की एक मतलब चेंज हुई थी, एंड रोमांटिक आइडियलाइजेशन टू वेरियस काइंड्स ऑफ रियलिज्म सिम्बोलिज्म। एक चीज देखा गया है कि जब आसपास की हिस्ट्री मतलब आसपास की हिस्ट्री में आसपास की सोसाइटी में जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो जो राइटर्स होते हैं ना वो रोमांटिकली लिखते हैं, विच मीन्स नेचर के बारे में, लाइफ की कुछ अच्छी चीजों के बारे में, कुछ अच्छे फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखे जाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जब सोसाइटी में कुछ बहुत चल रहा है केओस टाइप का, लाइक किंग से लड़ाई हो रही है, चर्चेस से लड़ाई हो रही है, आसपास की कंट्री से लड़ाई हो रही है, वॉर का टाइम है, इंडिपेंडेंस की वॉर हो रही है, ये सब टाइम पे रियलिस्टिक और सिंबॉलिक चीजें लिखी जाती हैं ताकि लोगों को एक कह सकते हैं आइडिया मिले कि उनको इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। एंड बहुत सारे जो नॉवलिस्ट ऐसे होते हैं वो इसीलिए लिखते हैं ताकि आने वाले जनरेशन को पता चले कि उनके साथ क्या हुआ था। ओके देन फ्रीडम स्ट्रगल, ये देखो ये सारे नॉवलिस्ट ना 20th सेंचुरी की है और ये सारे थीम्स वो लोग इंक्लूड करते थे क्योंकि उस टाइम पे इंडिया का एक कह सकते हैं कोलोनाइजेशन से फाइट चल रहा था। एंड उस टाइम पे जो थीम्स यूज किए जाते थे वो थे फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन
ideology and its impact on society, need for social reforms, eradication of social evils, India's modern destiny and the partition, the emergence of the new urban India, the problems of rural life, rural India, and so on. Okay, so अब तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, क्या चेंजेस आई थी. एंड बाय द लेट 1950s, अब यहां से फिर कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं. सेकेंड जनरेशन राइटर्स जिनमें इंक्लूड होती है नयनतारा सहगल, मनोहर मालगोनकर, भवानी भट्टाचार्य, ये सारे राइटर्स जो हैं लेट 1950s और अर्ली 1960s के राइटर्स हैं. देन 1980s में कुछ और नॉवेलिस्ट आए जिनका थीम्स काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका था, उनका यूज ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल, टेक्निक सब कुछ इम्प्रूव हो गया था, एक इम्प्रेसिंग इम्प्रेसिंग कह सकते जगह तक पहुंच चुका था. एंड देन इनमें कौन आते हैं, तो सलमान रश्दी, रोहिंतन मिस्त्री एंड खुशवंत सिंह, शोभा डे, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, शशि देश पांडे. तो शशि देश पांडे का भी नाम यहाँ है. इनकी ये नॉवल भी काफी अच्छी है जो मैंने पढ़ी है. आई सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप मतलब पढ़ो, सजेस्ट क्या एडवाइस होंगी कि पढ़ो, और एग्जाम के पहले टाइम बची होती तो पढ़ सकते थे, बट ये नॉवल बहुत अच्छी है. एग्जाम के बाद भी टाइम मिले तो यू कैन बाई ऑन अमेजोन एंड रीड या फिर सॉफ्ट कॉपी. एंड वुमेन्स राइटिंग के बारे में बात की जाए तो ये ना बहुत शॉर्ट पोर्शन है, तो यहाँ आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो. लेटर 19th century में लिखना स्टार्ट किया था बहुत सारे वुमेन नॉवलिस्ट ने. कुछ कुछ नाम याद रखना, कमला मारकंडिया, अनिता देसाई, देन शशि देश पांडे, नयनतारा सहगल, ये लोग के बारे में इनका कुछ वर्क भी याद रखना. तो उसके बाद अगर बात करें, ऑल वुमेन आर नॉट फेमिनिस्ट राइटर्स, ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो वुमेन लिख रही हैं अगर वो गर्ल्स से रिलेटेड भी है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फेमिनिस्ट ही हो जाएंगी, वो डिफरेंट भी हो सकता है. दे राइट अबाउट वुमेन्स इश्यूज बिकॉज बींग वुमेन दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन विच दे प्रोजेक्ट इन देयर वर्क्स. वो वुमेन के प्रॉब्लम को इसीलिए लिखती है बिकॉज वो वुमेन होती है एंड वो इंसान जो है वो ऑफकोर्स उस टाइप के लोगों के बारे में ज्यादा बेटर बता पाएगा. बॉयज बॉयज के बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, गर्ल्स गर्ल्स के बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे. सो उसी तरीके से जरूरी नहीं कि सारे वुमेन राइटर्स फेमिनिस्ट राइटर्स हों, बट वो अपने अपने नॉवल अपने वर्क में वुमेन इश्यूज को हाईलाइट करती है बिकॉज वो वुमेन के इश्यूज को ज्यादा अच्छे से पर्सनली उसको इलाबोरेट कर सकती है और समझा सकती है. शशि देश पांडे ने खुद के बारे में बोला है कि वो खुद को फेमिनिस्ट नहीं मानती है, वो अपने राइटिंग को स्पॉन्टेनियस समझती है और कोई भी राइटिंग को मेल फीमेल बेसिस पे बांटना नहीं चाहिए. शशि देश पांडे के बारे में याद रखना कि वो 1938 में उनका बर्थ हुआ था. शशि देश पांडे एज अ नॉवलिस्ट, इनकी दो और क्राइम नॉवेल्स हैं, इफ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड, ये दोनों. एंड शशि देश पांडे एक सीरियस राइटर है. इनके जितने भी नॉवेल्स हैं सारे के सारे नॉवेल्स में वुमेन प्रोटैगोनिस्ट्स देखने को मिलती हैं. देन कम्स यूनिट सेकेंड. यूनिट सेकेंड में मैं डायरेक्टली जाऊंगी एनालिसिस के पास, क्योंकि समरी के लिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि यूट्यूब से समरी देखो या फिर बुक से पढ़ो, योर चॉइस. समरी मैं यहाँ बताने लगूंगी तो बहुत टाइम बीत जाएगा. सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे मूव टू द एनालिसिस ऑफ द नॉवल. एनालिसिस ऑफ द नॉवल प्लॉट. प्लॉट इट हैज थ्री स्ट्रैंड्स रनिंग पैरेलल. ये प्लॉट की बात हो रही है किसकी, तो बाइंडिंग वाइन. ये जनरल जनरली नहीं बात हो रही कि बाकी सब नॉवेल्स में भी तीन स्ट्रैंड्स होने जरूरी है, बाइंडिंग वाइन की बात हो रही है. इस नॉवेल में तीन स्ट्रैंड्स है, यानी कि तीन अलग अलग स्टोरी है जो कि पैरेलली रन कर रही है, विच मीन सब में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है. तीनों स्टोरीज तीन अलग अलग वुमेन की हैं जो कि अलग अलग एज और टाइम से बिलोंग करती है. पहले तो कल्पना जो सबसे छोटी है यहाँ पे वो कोमा में है, मीरा वो मर चुकी है, उर्मी वो डिस्कवर्स लाइफ्स मीनिंग थ्रू द स्टोरीज ऑफ कल्पना. सो आपको पता होगा अगर आपने समरी देख ली होगी तो ये लोग कौन है वो समझ में आ गया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत चीज तो मैं यहाँ भी बता दूंगी थोड़ी बहुत. एंड द मेन प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड उर्मी एंड ग्रीफ एट अनुज डेथ. शुरुआत होती है ऐसे कि उर्मी अपनी छोटी सी जो बेटी होती है अनुषा, शॉर्ट फॉर्म में अनु, उसकी डेथ हो जाती है एक कह सकते हैं एक डिजीज की वजह से. वो काफी छोटी होती है, टॉडलर ही रहती है, तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है. और वो स्टार्टिंग यही है कि उर्मी अपनी छोटी सी बेटी के लिए काफी रोती है, बहुत परेशान होती है. एंड देन मीरा और कल्पना की स्टोरी है जो सब प्लॉट में रन करती है. टोटल इफेक्ट जो स्टोरी की है वो यूनिफाई हो जाती है एंड में. स्टोरी ऑफ वुमेन्स लाइफ्स, देयर फियर्स, प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस. द प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग वाइन डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम एक्शन. टाइम एंड एक्शन का यूनिटी फॉलो नहीं करती, जो कि एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में बताया है कि ड्रामा को ऐसे लिखा जाना चाहिए
तो उसको एक कह सकते हैं ट्रेडिशनल पैटर्न हो गया। उन्होंने बताया है कि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन फॉलो होनी चाहिए। ये सब आप सेकेंड ईयर में काफी इलाबोरेट करके पढ़ पाओगे कि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन क्या होती है। तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न को बाइंडिंग माइंड में शशि देशपांडे ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सिंस इट इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल द एक्शन मूव्स बैक एंड फोर्थ विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट ओवरलैपिंग। तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है ये द बाइंडिंग माइंड। इसमें जो राइटर है वो कैरेक्टर के थ्रू अपने अपने माइंड में जो भी चीजें चल रही है वो नॉवेल में लिखती है थ्रू उर्मी। उर्मी यहाँ पे फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है, या फीमेल नहीं कहेंगे, प्रोटैगोनिस्ट ही कह सकते हैं बिकॉज इसमें कोई मेल प्रोटैगोनिस्ट नहीं है। सो ये प्रोटैगोनिस्ट है उर्मी, और उर्मी ही पूरी स्टोरी बताती है, और बीच बीच में उसके मन में जो भी चल रहा है वो आसपास की चीजों से जो सीख रही है जो फील कर रही है वो चीजें वो लिखती है। वो किसी से वो बता नहीं रही है, वो किसी को बता नहीं रही है, किसी से डिस्कशन नहीं करती है, वो अपने थॉट्स को लिखती है। तो आई होप समझ आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इजी है। मैंने कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बोल दिया, हाँ कॉम्प्लेक्स है बट अगर कोशिश करोगे समझने का, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे थोड़ा रिसर्च करोगे तो फिर इजी लगने लगेगा, मेरे कहने का ये मतलब है। देन बाइंडिंग माइंड में मेमोरी है, फ्लैशबैक्स है, प्री कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्सेस है, ओके। देन टेक्निक की बात की जाए तो टेक्निक होती है किस तरीके से लिखा है राइटर ने। अगर बाइंडिंग माइंड को लाइट में रख के बात किया जाए टेक्निक के बारे में, तो इस नॉवल में काफी स्ट्रैंड्स है जो साइड बाय साइड रन कर रहे हैं। दो रेप केसेस हैं एंड वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं आफ्टर दे हैव ऑलरेडी हैपेंड। और रेप इज एन इम्पॉर्टेंट कैटास्ट्रोफी बट इट इज नॉट द सेंट्रल इवेंट ऑफ द स्टोरी। कह सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटास्ट्रोफी है, मतलब बहुत सबसे बुरा चीज, ट्रेजिडी जैसा चीज है इस नॉवल का, बट वो सेंट्रल इवेंट नहीं है बिकॉज डेथ मे बी टर्म्ड एज अ सेंट्रल मोटिव बिकॉज द नॉवल स्टार्ट्स विद उर्मी ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हर इन्फेंट डॉटर अनुषा। उर्मी अपने इन्फेंट डॉटर अनुषा के डेथ पे ग्रीव करती हुई दिखती है स्टार्टिंग में, नॉवल की स्टार्टिंग में यही स्टार्टिंग है। इस वजह से लोग कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि डेथ ही इस नॉवल की सेंट्रल मोटिव है, सेंट्रल थीम या टेक्निक है। एंड देन कम्स डेथ, वायलेंस, फियर, इनसिक्योरिटी, रेप, मेमोरी, ये सब चीजें इस नॉवल में देखने को मिलती हैं। नॉवल पूरी फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें मदर डॉटर टेंशन भी आपको देखने को मिलेगी। जो प्रोटैगोनिस्ट है उर्मी, वो अपने मदर से, इन्नी से बहुत लड़ाई करती थी, अपनी मम्मी को मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती थी, हमेशा दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। और उसका एक रीजन है क्योंकि उर्मी अपने मदर से बहुत ज्यादा ग्रज रखती थी, क्योंकि उसके मदर ने उसको घर से दूर रानी दुर्ग में पढ़ने भेज दिया था, तो वो घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से वो अपनी मम्मी से बहुत परेशान थी, मतलब ग्रज था कि उसकी मम्मी ने उसको क्यों इतना दूर भेज दिया। एंड देन लास्ट में पता चलता है, या लास्ट में या फिर कह सकते हैं नॉवेल के थोड़े से लेटर पार्ट में पता चलता है कि एक्चुअली इन्नी ने कुछ नहीं किया था, इन्नी के हस्बैंड यानी उर्मी के फादर ने ये डिसीजन लिया था, और इन्नी एक सबमिसिव वाइफ थी, इस वजह से उसने कुछ भी नहीं बोला और ना तो वो बोल सकती थी, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में सारे डिसीजंस लेने का जो हक होता है वो मेल के पास होता है, फैमिली के मेल मेंबर के पास है। तो बाद में जब उर्मी को पता चलता है कि इट वाज नॉट हर मदर बट इट वाज हर फादर टू सेंड हर टू रानी दुर्ग, और शी रियलाइजेस हर मिस्टेक, और उसको बाद में बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने मम्मी के साथ ऐसे बिहेव किया। देन देख सकते हैं इस नॉवल में उर्मी के ग्रोथ को भी, वो शुरुआत में तो ग्रीव करती है बट लास्ट में जाकर वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, खुद की बेटी के बारे में देखा, अपने फ्रेंड के बेटी के बारे में देखा, जितनी बुरी चीज होती है सब उसने देख लिया, एक्सपीरियंस किया, बट लास्ट में इससे उसका ग्रोथ होता है और फिर वो एक स्ट्रांग पर्सन बन जाती है। इस वजह से कह सकते हैं ये नॉवल जो है स्टैटिक नहीं है, प्रोग्रेसिव है। कुछ कुछ टर्म्स याद रखना, आंसर्स आपके बहुत इम्पैक्टफुल बन जाएंगे, ओके। नरेटिव टेक्निक फर्स्ट पर्सन है, देन शी इज कल्पना रेप विक्टिम। अब यहाँ पे कल्पना के बारे में थोड़ा बताया गया कि कल्पना जो है वो रेप विक्टिम है, कल्पना कोमा में है, वो अपनी स्टोरी नहीं बता सकती है। उसकी जो मदर है शकुताई, वही बताती है कल्पना कैसी थी, कैसे बिहेव करती थी, वो सब चीजें शकुताई बताती है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल का यूज किया गया कि एक घर बनाने के लिए जिस तरीके से लैंड, मैप, रॉ मटेरियल, वर्कमैन, इन सब की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से नॉवल में भी अलग अलग चीजों का जरूरत पड़ता है। सो राइटर के पास में अलग अलग रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि उनका यूज ऑफ लैंग्वेज, कैसे वर्ड्स यूज करें, उनका डिक्शन कैसा है, वो सब चीजें ना स्ट्रक्चर को रेज करती है। एंड उसको डेकोरेट करते हैं वो डायलॉग, कैरेक्टर्स, एक्शन, इससे वो डेकोरेट करते हैं घर को, जिस तरीके से घर को रॉ मटेरियल से बना लिया जाता है और अंदर की डेकोरेशन होती है, बाहर की फिनिशिंग होती है, उसी तरीके से राइटर्स भी इसी तरीके से कह सकते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज करते हैं
डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बाद में अपने डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और एक्शन के थ्रू अपने स्टोरी को डेकोरेट करते हैं. देन द स्ट्रक्चर ऑफ द बाइंडिंग वाइन इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ थ्री वुमेन, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवील द स्टोरीज इज गिवन टू वन वुमेन. सारी स्टोरीज उर्मी अकेले बता रही है तीनों लेडीज के बारे में, तीनों वुमेन के बारे में, एंड वो ही एक जरिया है जिसके थ्रू हम सबके स्टोरीज ऑफ ग्रीफ को समझ पाते हैं. एंड देन पेट्रियार्कल सिस्टम पे बहुत फोकस की गई है इस नॉवल में. इस नॉवल की पॉइंट ऑफ व्यू बताई जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से नॉवल को दिखाया जाता है या रीडर को क्या लग रहा है, रीडर को क्या लग रहा है, वो जो प्रोटागोनिस्ट है वो खुद से बता रही है, वो अपने लाइफ के बारे में बता रही है या वो दूसरे के लाइफ में बता रही है. मतलब आई का यूज, दे का यूज, कहाँ पे शी ही ऐसा यूज, मतलब कहाँ पे वो खुद के बारे में बता रही है, कहाँ पे वो दूसरों के बारे में बता रही है, ये सब चीजें ना पॉइंट ऑफ व्यू को सिग्निफाई करती है. तो यहाँ इस नॉवल में आई का यूज किया गया है, सो कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है. द बाइंडिंग वाइन इज टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ उर्मी, शी इज इन अ पिवोटल पोजिशन. तो पिवोटल पोजिशन में है मतलब कि जितनी भी स्टोरीज है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और यही है जिसके वजह से सबकी स्टोरीज हमें पता चलती है, क्योंकि सब कुछ उर्मी ही बता रही है हम. देन वही जज है, कमेंटर भी है और प्राइम मूवर भी है. देन शशि देशपांडे यूजेस द डायरी टेक्निक. अब यहाँ पे डायरी टेक्निक का भी उन्होंने यूज किया, तो डायरी का टेक्निक जब आता है ना तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, चाहे वो डेली सोप्स हो या फिर ये नॉवेल्स हो या कोई भी स्टोरी हो. सो देन मीरा इज गिवन अ वॉइस बिकॉज शी हैज रिटन डाउन हर थॉट्स. मीरा को एक वॉइस मिलती है एंड क्यों, क्योंकि उसने बहुत कुछ लिखा था अपनी डायरी में. देन कल्पना स्टोरी कम्स टू अस प्राइमरली थ्रू शकुताय. कल्पना की स्टोरी हमें शकुताय उसके मदर के थ्रू पता चलती है. देन पॉइंट ऑफ व्यू इज उर्मीज बट द नरेशन इज शकुताय. पॉइंट ऑफ व्यू उर्मी का है, नरेशन शकुताय का है. बाइंडिंग वाइन इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें थॉट्स को इवोक किया जाता है. जो भी प्रोटैगोनिस्ट है वो अपने थॉट्स के बेसिस से सब कुछ बताते हैं नॉवल में. देन In literature, when a story runs in the mind of the main character, his or her senses seem to work in the past. The character remembers his or her past and the flow of thought takes us back and forth. तो इसमें हम लोग मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझ पाते हैं, मेन कैरेक्टर के थॉट्स को समझते हैं, उनके मेमोरीज, उनके फीलिंग, सब कुछ को समझ पाते हैं. देन नॉवलिस्ट ने, शशि देशपांडे ने इंटीरियर मोनोलॉग का यूज किया, विच मीन्स आपके माइंड में जो चल रहा है वो आप किसी और को नहीं बता रहे हो, सिर्फ लिख रहे हैं, जो सिर्फ रीडर, जो सिर्फ ऑडियंस सुन पा रही, पढ़ पा रही. लॉन्ग इंट्रोस्पेक्टिव पैसेजेस, फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स, फैंटेसीज, इन सब का यूज किया है यहाँ पे राइटर ने. फिर और इम्पोर्टेंट पार्ट पे चलूं तो यूनिट 3 की बात की जाए, यहाँ पे थीम्स आते हैं. तो थीम आपको जैसा पता है कि किसी भी नॉवल की सेंट्रल आइडिया होती है, इसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. थीम्स इस नॉवल में कौन कौन से है, तो थीम ऑफ रेप है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, वुमेन्स बॉन्डिंग है, डेथ एंड फियर है. तो थीम ऑफ रेप में देखा जाए तो शी रिलेट्स एन इंसिडेंट दैट हैपेंस इन अ हॉस्पिटल. तो ये जो है शशि देशपांडे, जो राइटर है, जो नॉवलिस्ट है इस द बाइंडिंग वाइन नॉवल की, तो वो बताती है कि उन्होंने इस इंसिडेंट को रिलेट किया. वो एक हॉस्पिटल में थी, अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी, और काम नहीं करती थी, उनके साथ में रहती थी, उनके हस्बैंड काम करते थे, एंड वो लोग एक नर्सेस के क्वार्टर के बगल में रहते थे. एक पर्टिकुलर नर्स वहां पे उनको दिखती थी रोज, वो आते जाते उनको दिख जाती थी. वो काफी प्रिटी, अट्रैक्टिव भी थी, रेडिएंट भी थी, लेकिन बाद में उस नर्स का रेप हो जाता है एंड शी वाज फाउंड लाइंग अनकॉन्शियस. वो कोमा में चली जाती है लास्ट में और वापस कभी रिकवर नहीं करती. तो रेप हैज बीन डिफाइंड वेरियसली एज वायलेंस टू वंस बॉडी. यहाँ एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि रेप मतलब क्या होता है. वायलेंस टू वंस बॉडी, वायोलेशन ऑफ वंस राइट टू द बॉडी एज रविशमेंट एंड एज एन इंसल्ट टू वुमेन एंड वुमेनहुड. लाइक ये चीज जिस भी लड़की के साथ होता है उसके लिए लाइफ एक हेल बन जाती है. दूसरी चीज, यहाँ इंडियन पीनल कोड के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पे रेप केसेस के लिए तो बहुत सारे लॉज हैं, बट फोर्स सेक्स इनसाइड मैरिज के लिए कोई लॉ नहीं है. विच मीन्स कि लॉ डज नॉट इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन द केस ऑफ मैरिड वुमेन. मैरिड वुमेन के साथ में फोर्सफुल भी हो रहा है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप बिकॉज वो उसका हस्बैंड है. सो ये चीज चेंज होने की जरूरत है, आई एम श्योर कि चेंज होगी. एंड इट वॉज प्रभाकर हर सुलू मौसीज हस्बैंड. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्राइम किसने किया, इस नॉवल में कल्पना के साथ क्राइम किसने किया. तो कल्पना की जो मौसी थी सुलू, उसके हस्बैंड प्रभाकर ने किया, जिसको वो अपने भाई जैसे समझती थी. उसके साथ वो घर पे भी रह चुकी थी और एक तरीके से भाई जैसा बिहेवियर था. एंड देन बाद में, मतलब
बीच में पता चलता है कि प्रभाकर एक्चुअली अट्रैक्टेड था अपनी भतीजी वो कल्पना के तरफ, एंड वो उसको शादी का प्रपोजल भी देता है। कल्पना की जो मदर है वो चाहती है कि दोनों की शादी हो जाए, उसको एज डिफरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शकुताई ना बहुत ही लोअर क्लास, मतलब बहुत ही पुअर है एक्चुअली उस टाइम पे, बहुत ज्यादा, और उसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया। तो वो खुश है कि उसकी बेटी को प्रपोजल आ गया और फिर वो कहीं पे सेटल हो जाएगी, तो उसको अच्छा लगता है। उस टाइम पे वो नहीं सोचती कि उसकी बेटी के क्या चॉइसेस हैं, क्या ड्रीम्स हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं सोचती। यही सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, आप इसको ध्यान देना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल्पना जो है बहुत एम्बिशियस है और उसका अपना ड्रीम्स है, और वो एक अपने चॉइस के यंग मैन से शादी करना चाहती है, दैट्स वाई वो प्रभाकर को रिजेक्ट कर देती है, एंड इससे प्रभाकर को बहुत गुस्सा आता है, एंड रिवेंज लेने के लिए वो कल्पना का रेप कर देता है। सो उसके बाद एक और चीज यहाँ देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो तो सिंपैथेटिक है अपने पेशेंट को लेकर के, बट ऑन द अदर हैंड जो पुलिसमैन है, पुलिसमैन कहते हैं कि कल्पना बहुत सच खच के निकलती थी, तो कल्पना एक प्रोफेशनल थी, तो उसके साथ जो हुआ वो डिजर्व करती थी। कितनी बुरी चीजें दिखाई गई हैं जो एक्चुअली होती है, मेल का ऐसा ही पर्सपेक्टिव होता है यूजुअली, जितने भी होते हैं सब कहेंगे कि गर्ल का ही गलती था, लड़की का ही गलती था। आजकल तो मैं देखती हूँ कि इनफैक्ट वुमेन भी यही कहती है कि लड़की का गलती था, उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने ऐसे तैयार किया, उसने ऐसा मेकअप किया, उसने ये किया वो किया वगैरह वगैरह। सो सारी जो गलती होती है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो सारे लड़की के ऊपर वो सारा ब्लेम डाल देते हैं, बट ये नहीं सोचते कि वो जो 2-3 महीने की जो बच्ची होती है और जो बूढ़ी होती है जो कि अपने 90s में 80s में चल रही है, उनके साथ जब रेप होता है तो उस टाइम में उनका ये ज्ञान कहाँ चला जाता है। देन शकुताई नॉर सुलू, इन लोगों को नहीं पता होता है कि सुलू के हस्बैंड ने यह क्राइम किया, बाद में पता चलता है। देन रेप एक स्टिग्मा है फॉर द विक्टिम एज वेल एज द फैमिली, अगर ये किसी के फैमिली में होती है तो पूरी फैमिली एक तरीके से डिवास्टेट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ये होता है तो वो लाइफ टाइम सफर करता है, देन बाद में लड़की को ही ब्लेम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लीगली, लीगली ऐसा है कि रेप विक्टिम के पास राइट है अपने लिए जस्टिस के लिए बोलने का, मतलब उसके पास बोलने का पावर होगा तब तो वो बोल पाएगी, तो ये पावर लीगली तो उसके पास है, बट अगर मान लो लड़की जैसे कल्पना की तरह कोमा में चली गई या मर गई तो उसको क्या जस्टिस नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस बहुत जरूरी है यहाँ पे। रेप इज साइकोलॉजिकली स्कैटरिंग एंड ट्रॉमेटिक, इट किल्स अ वुमन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉयज हर सेल्फ एस्टीम। मीराज केस इज स्ट्रेंज, मीरा का जो केस है वो काफी स्ट्रेंज है। एक एंगल से इट इज रेप इन मैरिज, फ्रॉम अनदर इट इज नॉट। एक एंगल से वो रेप है और एक एंगल से नहीं है, बिकॉज मीरा की शादी हो चुकी है और मीरा का रेप फ्रॉम हर हस्बैंड दिखाया जा रहा है। उसके जो हस्बैंड है वो उसके साथ फोर्स्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते थे ड्यूरिंग मैरिज, एंड वो मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं था, मीरा के कंसेंट के बिना किया जाता था, तो उसको सोसाइटी तो रेप नहीं कंसिडर करती है बट उसको करना चाहिए। देन मीरा इज अ हैप्पी वाइफ बिकॉज शी इज इंटेंसली लव्ड, ऐसा सोसाइटी सोचती है कि उसके हस्बैंड उसको इतना प्यार करते थे, उसको बहुत हैप्पी होना चाहिए, शी इज अ वेरी हैप्पी लाइफ। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मीरा के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बहुत सफर करती है, उसके लिए हस्बैंड का जो लव है ना वो बहुत सफोकेटिंग है उसके लिए। उसको पता है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसे अपने लिए स्पेस नहीं मिलती, तो सोचो कितना घुटन हो जाएगा, कैसे सफोकेशन उसको फील होता होगा। और वो रोज अपने हस्बैंड के असॉल्ट को सहती थी अपने बॉडी पे। देन जो मीरा है वही डायरी लिखती थी, पोएम्स लिखती थी अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए, एंड एंगर एंड रिसेंटमेंट को बहुत फेस करना पड़ता था उसे। देन फेस नहीं करना पड़ता था, उसमें इवोक होती थी, ओके इवोक होती थी। देन फर्स्ट अ वुमेन्स राइट टू हर बॉडी एंड सेकेंड द नीड टू स्पीक आउट, ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज इस नॉवेल में बताई गई है। पहला कि वुमेन का जो राइट है उसके बॉडी पे, और सेकेंड वुमेन को बोलने का पावर होना चाहिए, उनको उनको दबाना नहीं चाहिए, उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, दे शुड स्पीक फॉर देमसेल्फ, दे शुड टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ। थीम ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या है पहले वो समझना जरूरी है। ये एक मूवमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट है, विच स्टार्टेड इन द वेस्ट इन 18th and 19th century। यहाँ पे इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, अदर लीगल राइट्स मांगे गए थे, बाद में इक्वालिटी भी मांगी गई, फिर वुमेन का स्टेटस मांगा गया फैमिली एंड सोसाइटी में। देन वुमेन के साइलेंस को क्वेश्चन किया जाने लगा कि वुमेन क्यों चुप रहती है, क्यों सहती है, क्यों क्यों मतलब उनके साथ जो भी होता है वो
सह लेती हैं, उनके पास भी राइट होना चाहिए, वो खुद के लिए बोले, खुद के लिए स्टैंड ले. तो ये सब चीजें फेमिनिज्म में आती है, बट आज की दुनिया में आप देख पा रहे हो कि इसका भी बहुत लोग गलत फायदा उठा रहे हैं इस पावर का. वुमेन सबमिशन, द लैक ऑफ वॉइस, सोसाइटीज एटीट्यूड टू द सफरिंग एंड द अब्यूज ऑफ वुमेन्स बॉडी, ये सब चीजें को हाईलाइट किया गया. इन सब चीजों, इन सब इश्यूज पे फेमिनिस्ट बात करते हैं कि इन सब चीजों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, एंड जितना राइट मेल का है उतना ही राइट फीमेल का भी होना चाहिए. शशि देश पांडे खुद को फेमिनिस्ट राइटर नहीं कहती हैं, लेकिन फिर भी वो वुमेन के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करती हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके सफोकेशंस को बहुत अच्छे से समझती हैं, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने इतनी अच्छी नॉवल भी लिखी. बाइंडिंग वाइन में, इस नॉवल में मेन एब्सेंट है, विच मीन्स मेन का रोल बहुत कम है. एक दो के लोगों के नाम तो है, बट उनका कोई पर्टिकुलर कह सकते कैरेक्टराइजेशन नहीं है. देन इट जनरेट्स पब्लिक ओपिनियन, क्रिएट्स अवेयरनेस. तो कल्पना के बारे में, कल्पना की जो स्टोरी बताई गई है थ्रू शशि देशपांडे, वो जनरेट करती है पब्लिक ओपिनियन और अवेयरनेस क्रिएट करती है. द थीम ऑफ लव, मैरिज एंड सेक्स. मैरिज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सो एज यू नो कि ह्यूमन सोसाइटी में मैरिज का कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ के लोगों के माइंडसेट में है कि लड़की का जन्म हुआ नहीं कि उसकी शादी करवाना है, लड़के का जन्म हुआ नहीं कि उसकी शादी करवाना है. स्पेशली तो ये फीमेल के साथ में होता है, फीमेल के साथ में. उसके फादर बचपन से ही परेशान है, कैसे घर में जाएगी, कैसा लड़का मिलेगा, वगैरह वगैरह. सो कितना इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में. खैर, अब तो काफी अच्छे डेवलप्ड सिटीज में गर्ल को इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है, बट अभी भी कुछ स्मॉलर सिटीज में पढ़ाने का रीजन भी यही है कि उसको एक अच्छा लड़का मिले. सो ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से इस नॉवल में कवर किया गया है. और आप देख पा रहे हो, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप ध्यान दे देना कि कौन कौन से कपल्स हैं इसमें, हस्बैंड वाइफ वाइफ के कौन कौन से कपल्स हैं इस नॉवल में बताए गए हैं. एंड देन पहले तो मीरा के बारे में बताया गया कि वो अपने हस्बैंड से कितनी परेशान है. उसका हस्बैंड एक्चुअली उसको पसंद कर लिया था जब वो 18 ईयर्स की थी उसी टाइम पे. फिर उसने अपने फैमिली को बोला कि लड़की के फैमिली को जाके ये प्रपोजल दो शादी का. लड़की की फैमिली तुरंत मान गई, उनको लगा इससे अच्छा मौका तो कुछ है ही नहीं. पता नहीं वो बोझ समझते थे क्या समझते थे, बट उन्होंने तुरंत शादी करवा दी. एंड मीरा करना नहीं चाहती थी, उसके पास कुछ एम्बिशंस थे, कुछ ड्रीम्स थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. फिर भी उसे सहना पड़ा. एंड उसके हस्बैंड जो थे वो बहुत ऑब्सेसिव थे, वो बहुत टॉर्चर करते थे अपनी वाइफ को, बट स्टिल उसको वहां पे रहना पड़ रहा था अपने हस्बैंड के साथ में. एंड मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया कि किस तरीके से उसके ऊपर बहुत डोमिनेटिंग था ये वो वगैरह वगैरह. एंड वो डायरी भी लिखती थी अपने सफरिंग्स को बताने के लिए. अक्का हुआ से सेकेंड वाइफ, जब मीरा की डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के दौरान, तब वो दूसरी औरत से शादी करता है अक्का नाम की फीमेल से. देन उर्मी किशोर काफी गुड कपल है ऐसा दिखाया गया है नॉवेल में. देन शकुताई के हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया 3 चिल्ड्रन के साथ में किसी और वुमेन के साथ रहने के लिए. सुलूस हस्बैंड प्रभाकर के पास इवल इंटेंशंस है, वो कल्पना से शादी करना तो चाहता है बट वो लव के वजह से नहीं, वो लस्ट के वजह से करना चाहता है. थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स काफी अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस नॉवल में. आप देख सकते हो कि हस्बैंड वाइफ, मदर डॉटर, मेल फीमेल, मदर चाइल्ड, वुमेन वुमेन बॉन्डिंग, ह्यूमन बॉन्डिंग, कितनी सारी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को दिखाया गया. स्पेशली तो उर्मी, उर्मी कितनी कंसिडरेट है शकुताई को लेके. शकुताई उसकी जस्ट फ्रेंड है, और उसके लिए वो कितना कुछ करती है. एंड ऑफ द नॉवल में वो उसकी बेटी के लिए जस्टिस के लिए लड़ने के लिए उसके साथ तैयार है, जब सोसाइटी में कोई साथ नहीं देता उसका, सब शकुताई का, सब उसको बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ. तो उर्मी ही है उस टाइम पे जो उसको भरोसा दिलाती है कि नहीं, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही थी, प्रभाकर गलत था. देन ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड्स ब्रिजेस बिटवीन सिचुएशंस एंड अक्रॉस पीपल. मैन वुमेन रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ कॉमन वेलबींग. मदर डॉटर रिलेशनशिप इज शोन टू बी वेरी फ्रेजाइल इन दिस नॉवल. उर्मी जो है शार्प टंग्ड और फ्लिपेंट है विद हर मदर. तो मदर डॉटर का जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया इस नॉवल में. तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी यहाँ पे रिलेशनशिप्स है इस पूरे नॉवल. एंडिंग में उर्मी का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप, द टाइज एट ह्यूमन लेवल, द एक्ट ऑफ लिविंग में बी फ्यूटाइल बट ऑल वी डू इज स्ट्रगल टू सर्वाइव बिकॉज वी स्ट्राइव टू रिलेशनशिप. अब सबके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है बट ह्यूमन रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं तो इंसान कैसे भी बड़े से बड़े स्ट्रगल को अच्छे से फेस कर पाता है. देन यूनिट 4, कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन में अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए इस पार्ट को, तो यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन द समरी. आपने अगर समरी पढ़ी है, देखी है, तो आप समरी के ही बेसिस पर किसी कैरेक्टर के बारे में
बता सकते हो कि वो कैरेक्टर कैसा है। तो शशि देशपांडे ने जितने कैरेक्टर्स यूज किए हैं वो सारे अर्बन मिडिल क्लास ऑफ मॉडर्न इंडिया से उठाए गए हैं। उनका फोकस वुमेन के ऊपर है एंड कुछ मेन का भी है कैरेक्टर, बट वो मेन भी थ्रू फीमेल कैरेक्टर्स ही बताए गए। जितने भी चीजें इसमें हैं वो सारा एक रियल ह्यूमन बींग्स का ओवरऑल इफेक्ट देती है हमारे ऊपर, और ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, रीडर से, ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फील्डिंग, जो कि टॉम जोन्स के राइटर हैं, वी अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स थ्रू देयर वर्ड्स एंड एक्शंस। हम लोग किसी कैरेक्टर का जो माइंड है वो उसके वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू समझते हैं। देन लाइफ लाइक कैरेक्टर्स, ये वाला टर्म जरूर लिखना कि शशि देशपांडे ने लाइफ लाइक कैरेक्टर्स का यूज किया, काफी रियलिस्टिक, काफी ज्यादा, जो मतलब कहीं पे भी नहीं लगेगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया या ये कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह बहुत ही बैलेंस्ड है। ओके, देन फ्लैशबैक है इसमें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है। टाइम एंड अगेन हमें उर्मी के बारे में बताया जाता है कि उर्मी क्या सोचती थी, क्या फील करती थी। उर्मी का बहुत ही अच्छा यहाँ फ्लो चार्ट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना यहाँ से, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ से कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स याद रखने के लिए ये वाली फ्लो चार्ट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी भी है। इसमें आपको सब पता चल जाएगा, इसके फादर कौन थे, मदर, ब्रदर, हस्बैंड, सन, स्टेप इन लॉ, स्टेप मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फ्रेंड वगैरह वगैरह। देन उसके बाद अगर देखें तो कल्पनास फैमिली, कल्पना की फैमिली के बारे में है, तो मदर के बारे में है, आंट के बारे में, अंकल के बारे में, सिबलिंग के बारे में, फादर के बारे में, ऐसे। देन द मैन आर नॉट इनइफेक्टिव। अब इस नॉवल में मैन तो प्रेजेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि मैन का कोई इफेक्ट नहीं है इस नॉवल में। वो इन्फ्लुएंस करते हैं थीमेटिक स्ट्रक्चर थ्रू द पेट्रियार्कल सिस्टम, उन्हीं के थ्रू मतलब हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से वो लोग डोमिनेटिंग होते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम में। कैरेक्टर्स इन द नॉवल, उर्मी जैसा मैंने बताया वो पाइवोटल पोजिशन प्ले करती है, रोल प्ले करती है, उसी के थ्रू हमें दूसरों के बारे में पता चलता है, एंड हर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड फ्रॉम हर थॉट्स वी गेट अ फेयरली एक्यूरेट पिक्चर। उर्मी जो है वो कैसी है, अर्बन है, एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमेन है ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक्टिव है, स्मार्ट है, डार्क है एज डॉक्टर भास्कर पॉइंट्स आउट, प्लेन लुकिंग है, ग्लासेस पहनती है और अपने साड़ी से मैच नहीं करने वाले ब्लाउजेस पहनती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अपने अपीयरेंस को लेके उतना पर्टिकुलर नहीं, कैसे भी दिखे उसे बस इंटरनल ब्यूटी से मतलब है। एज अ मदर शी इज टेंडर, शी इज ऑल्सो सेंसिटिव एट द सेम टाइम। बाद में नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल में ये पता चलता है कि उर्मी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज्यादा ना शेकन हो चुकी है अपने डॉटर के डेथ पे। इनफैक्ट वो इरिटेट होती है जब उसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, या डॉक्टर भास्कर ने भी कुछ उससे नॉर्मल क्वेरी किया था, तो वो बहुत सफोकेटेड फील करती है, उसे उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि व्हाई समबडी आस्किंग सच क्वेश्चंस फ्रॉम हर। लाइक अगर एक वुमेन के किसी पर्टिकुलर बच्चे का डेथ हो जाता है तो वो कैसे जवाब देगी कि तीन है, दो है, एक है, उसको उस टाइम पे कंफ्यूजन होता होगा कि मैं जिसकी डेथ हो गई है उसको भी एड करूं या उसको लीव आउट कर दूं, तो कितना मुश्किल पोजिशन होगा वो आप समझ सकते हो। Then, though she is grief-stricken, she does not want sympathy. वो बहुत strong है, she does not like other people giving her sympathy. And Vana tries to give her sympathy, but Urmi irritate हो जाती है और वो कहती है मुझे sympathy की कोई जरूरत नहीं है, she is independent by nature, strong willed है, and people की sympathy बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपने grief को अकेले face करती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उर्मी इनसेंसिटिव और अनसिम्पथेटिक, वो बहुत ही सिंपथेटिक है फॉर हर फ्रेंड शकुताय, और शी इज द ओनली वन टू स्टैंड बाय शकुताय एंड हर फैमिली व्हेन अदर्स कीप अवे फ्रॉम देम। अब जिसके फैमिली में कोई रेप केस हुआ हो उसके फैमिली को सोसाइटी कितनी बुरी नजर से देखने लगती है, लेकिन उस टाइम पे उर्मी अपने फ्रेंड के साथ खड़ी होती है, शकुताय के साथ में, एंड उसके मतलब कह सकते हैं सपोर्ट बनती है। उर्मी जो है वो फ्री है, फ्रैंक है, विदाउट इनहिबिशंस है, शी वैल्यूज लव नॉट लस्ट, शी लाइक्स इक्वालिटी नॉट वुमेन सबमिसिवनेस एंड मेंस डोमिनेशन। और कह सकते हैं उर्मी इस पार्ट में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के पार्ट में काफी ज्यादा फॉर्चुनेट थी, बिकॉज जो उसके हस्बैंड है किशोर, वो किशोर काफी मतलब कह सकते हैं उसको फ्री छोड़ते हैं उर्मी को पर्सनल स्पेस मिलता है उस रिलेशनशिप में, वो कभी क्वेश्चन नहीं करता कि तुम ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो, ऐसे क्यों रहती हो। इनफैक्ट किशोर जो है वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लेकिन उर्मी भी काम करती है, वो कभी नहीं कहता कि मैं काम कर रहा हूं तो तुम मत करो, वो एक तरीके से अप्रिशिएट करता है कि उसकी वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट है। ओके,
देन उर्मी जो है वो वुमेन राइट्स के बारे में भी बोलती है और रीडर्स तक अपने थॉट्स को पहुंचाती है। एंड ऑफ द नॉवल में हम देख सकते हैं कि जैसा उर्मी जो है वो स्टार्टिंग में जैसे सेंसिटिव थी, रो रही थी, लास्ट में वो एक बिल्कुल स्ट्रांग कैरेक्टर बन जाती है। ठीक है, तो उसका ग्रोथ हुआ है। सो ये प्रोग्रेसिवनेस है एक नॉवल की। किशोर, अब इसी के हस्बैंड के बारे में बात की जाए तो किशोर इज उर्मीज हस्बैंड। इसे हम लोग डायरेक्टली तो नहीं देखते नॉवल में, बट उर्मी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हस्बैंड के बारे में बहुत चीजें बताती है। उर्मी जो है वो उसे देखती है अपने हस्बैंड को अनु के डेथ यानी उनके डॉटर के डेथ के बाद कैसे वो रो रहे थे या जो भी, तो ये सब चीजें। देन हस्बैंड उसका जो है वो बहुत सपोर्टिव है। हिज प्रेजेंस इज स्ट्रेंथ गिविंग एंड उर्मी फील सिक्योर व्हेन ही इज अबाउट। उर्मी को काफी सिक्योर फील होता है एंड किशोर काफी ओपन माइंडेड है। उसे अपनी वाइफ के वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने बताया। वो अपने आप को उर्मी अपने आप को फॉर्चुनेट समझती है क्योंकि उसे इतना आइडियल हस्बैंड मिला और उसके पास चॉइसेस एंड फ्रीडम है। किशोर इज ऑफ क्वाइट नेचर, रिस्पेक्टफुल है, कंसिडरेट है। देन किशोर हैज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उर्मी फेल इन लव विद किशोर, क्यों? बिकॉज उसे किशोर का प्रेजेंस ऑफ माइंड और हेल्पफुलनेस बहुत पसंद आया था। एंड किशोर कैन प्रूव टू बी एन आइडियल हस्बैंड। शी रिजेंट्स हिज अनअप्रोचेबल एटीट्यूड। एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे उसके हस्बैंड के बारे में कि वो ना कुछ शेयर नहीं करता, लाइक एक तरीके का आर्मर है, अपने अराउंड एक आर्मर सेट करके रखा है, जिसकी वजह से जो उर्मी है वो अपने हस्बैंड को ज्यादा समझ नहीं पाती है। ठीक है, तो वो कंपेनियनशिप के लिए क्रेव करते हैं जो उसे मिल नहीं पाता, लेकिन ओवरऑल वो काफी लविंग और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है एंड अ डोटिंग फादर ऑल्सो। मीरा कौन है? तो मीरा उर्मी की कह सकते हैं मदर इन लॉ, इस मदर इन लॉ है जो जिसकी डेथ हो चुकी है एंड मीरा के बारे में हमें उर्मी के थ्रू ही पता चल रहा है। और मीरा कैसे उसका डेथ क्यों हुआ था, चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो गई थी और उसकी शादी काफी यंग एज पे हो गई थी। और जैसा आपने पहले भी सुना कि अपने लाइफ में ये बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने मैरिड लाइफ में, उसके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिव है एंड वो ना चाहते हुए भी उसे फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ता है एंड वो अपने सफरिंग को अपने डायरी के थ्रू हमें बताती है। देन जो मीरा है वो प्लेन है बट अट्रैक्टिव है। वो ऐसे टाइम से बिलोंग करती है जहां पे वुमेन का एजुकेशन तो एक्सेप्टेड था लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी गई थी वुमेन को। वो एक अट्रैक्टिव यंग गर्ल थी, वाइवेशियस थी एंड एक्टिव टू हैव अट्रैक्टेड अटेंशन। तो उसके हस्बैंड ने उसको पसंद कर लिया था देखते ही एंड वो 18 इयर्स में ही शादी हो गई उसकी क्योंकि उसने सामने से प्रपोज कर दिया। और लड़की के फैमिली ने सोचा कि सामने से जब लड़के वालों ने प्रपोज किया है, शादी का प्रपोजल आया है, तो क्यों इस चीज को ठुकराया जाए, तो वो रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन मीरा वॉज 18 एंड टैलेंटेड, शी प्रोबेबली डिड नॉट हैव एनी एस्पिरेशंस। यहाँ पे मीरा का एक अलग पर्सपेक्टिव बताया गया कि वो 18 ईयर्स की थी, टैलेंटेड भी थी, उसका मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर एम्बिशन नहीं था कि उसे कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ बनना है, लेकिन उसे पोएट्री लिखना बहुत पसंद था। वो अपने आप को पोएट बनाना चाहती थी, वो पोएट बनना चाहती थी। बट एक इंसिडेंट है जहां पे एक वेनु नाम के पोएट से वो मिलती है। वो वेनु एक मेल कैरेक्टर है, वो अपने 13 बर्थडे पे उससे मिलती है एक पोएट से एंड उसका एक सीक्रेट डिजायर है कि वो वेनु जैसा कभी लिख पाए। एक पॉइंट पे जाके वो वेनु से मिलती है दोबारा एंड उससे बात करती है, उसे अपनी पोएट्री दिखाती है, लेकिन पोएट का जो रिएक्शन आता है सामने से, वेनु का जो रिएक्शन आता है वो इनकरेजिंग नहीं होता। वो ऐसे बोलता है, ऐसे रिस्पॉन्स करता है कि आप भी शॉक हो जाओगे। इट वॉज द स्टॉक मेल रिस्पॉन्स सेइंग दैट वुमेन डू नॉट नीड टू राइट, देयर पोएट्री इज टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। कि वुमेन लिखने का काम नहीं कर सकती, उनका काम बस है गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। तो इससे जो है मीरा पहले से ही इनसिक्योर थी अपने राइटिंग्स को लेकर, वो थोड़ा और परेशान हो जाती है। उसे एनकरेजमेंट की जरूरत थी, वो पहले लोगों को नहीं दिखाती थी, अब वो और छुपाने लगी कि उसके राइटिंग्स पे लोग हंसेंगे। शी वॉज क्लोजर टू हर फादर देन टू हर मदर। मीरा एक तरीके से रिबेलियस थी लेकिन वो अपने लिए बोल नहीं सकती थी। अब रिबेलियस कैसे थी हमें कैसे पता चला? बिकॉज शादी के बाद जब उसके आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की, उसके सरनेम को उसके फर्स्ट नेम को चेंज किया गया, लोग उसे मीरा की जगह निर्मला बुलाने लगे, तो वो उस नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। हाँ, भले ही उसने कभी वॉइस नहीं रेस किया कि हाँ मेरा नाम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि कोई सुनेगा नहीं, बट कोई उसे निर्मला कहता था तो वो सुनती नहीं थी, वो डेफ ईयर दे देती थी। एंड शी वंडर्ड हाउ अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन कुड चेंज हर आइडेंटिटी। वो सोचती थी कैसे, मतलब एक बार पेन से लिख दिया और उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, ऐसे कैसे कोई किसी को चेंज कर सकता है। देन शी लव्ड लाइफ एंड वॉन्टेड टू लिव द स्प्रिंग ऑफ लाइफ स्टिरिंग विद इन हर।
एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड मीरा का, या कह सकते हैं कि मीरा के लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखाया गया है कि उसे बहुत अच्छा लगता है मदरहुड के टाइम पे, उसके उम्र में जब एक स्प्रिंग ऑफ लाइफ है तो उसे बहुत जॉयफुल फील होता है, बट अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड बर्थ के एक दिन के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। शकुताई की बात की जाए तो शकुताई बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इस नॉवेल में सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट वुमेन वही है इस पूरे नॉवेल में। वो कल्पना की मदर है, उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, पुअर भी है, उसका कोई फैमिली लाइफ नहीं है, उसके पास बहुत कम चॉइसेस है, उसके हस्बैंड ने भी उसको छोड़ दिया है, उसके उसके डॉटर की रेप हो गई है, तो उसके मतलब साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस पूरे नॉवेल में। और शकुताई अपने 3 बच्चों के साथ रहती है बॉम्बे में एक चॉल में, कल्पना, संध्या एंड प्रकाश के साथ में। वो एक पियोन है एंड उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। देन उसके बाद उसको अपनी बहन के हस्बैंड प्रभाकर की तरफ टर्न होना पड़ा। उसकी बहन का नाम सुलू है, सुलू के हस्बैंड प्रभाकर की तरफ। अब एक मेल सपोर्ट की जरूरत होती है तो उसके लिए उसको प्रभाकर का जरूरत पड़ा। तो उसके बाद वो अपनी बेटी को भी भेज दी थी कि तुम उन्हीं लोग के साथ में रहो, बट लास्ट में ये बहुत गलत प्रूव हो गया। प्रभाकर ने इतना हाइनस क्राइम किया उसकी बेटी के साथ। देन शी अंडरस्टैंड्स द हैंडीकैप ऑफ बीइंग अनएजुकेटेड विदाउट सपोर्ट। वो समझती है कि अनएजुकेटेड होना और सपोर्ट नहीं मिलना कितना बुरा होता है किसी के लाइफ के लिए। और बार बार वो अपनी बेटी कल्पना को कहती है कि तुम इतना अपने आप को डेकोरेट मत किया करो, मेकअप मत किया करो, लिपस्टिक मत डाला करो, ऐसे कपड़े मत पहना करो, जो मेल का जो नजर है वो बहुत ही बुरा है। बट कल्पना ये सब चीजें नहीं समझती थी। वो नहीं समझती थी कि उसकी मदर क्यों ये सब चीजों के लिए मना करती है उसको। वो बहुत बोल्ड थी एंड वो अपने तरीके से रहना पसंद करती थी, तो ये सब चीजें। और बाद में जब उसका रेप हो जाता है तो उसकी मदर पूरा ब्लेम अपनी बेटी पे ही डालती है। और ये चीजें बहुत डिस्टर्बिंग है। मैंने जब ये नॉवल पढ़ा था तो मुझे काफी दिनों तक इसका इम्पैक्ट रहा था। मैंने भी सोचा कि कौन सही था, कौन गलत था, क्या उसकी मदर सही थी, क्या बेटी सही थी, किसकी गलती। बहुत चीजें आती है माइंड में। देन फुल पैथोस ऑफ शकुताई'स लाइफ वर्स अपॉन अस आफ्टर सुलूस डेथ। अब शकुताई के साथ इतने देर में तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, लास्ट में एक और चीज बुरा हो गया। उसकी बहन को जब पता चलता है कि उसके अपने हस्बैंड ने ऐसा ऐसा बुरा काम किया है तो वो सुसाइड कर लेती। ठीक है, तो शकुताई को और बुरा लगता है, उसके साथ अब कोई बचा नहीं तो उसे बहुत बुरा लगता है। देन कल्पना की बात की जाए तो कल्पना, शशि देश पांडे हैज मॉडल कल्पना ऑन द नर्स होम शी टेल्स हिज इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज। तो शशि देश पांडे ने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि वो एक नर्स को देखी थी, नर्स के साथ सेम चीज हुआ, तो इसीलिए उसने सोचा कि इसी स्टोरी लाइन के ऊपर वो कल्पना की स्टोरी को भी करते। देन द रीडर्स मीट कल्पना ओनली आफ्टर हर म्यूटिलेटेड बॉडी हैज बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग हर इन पर्सन। कल्पना को हम कब देखते हैं? जब वो हॉस्पिटल आई रहती है, वो जब वो कोमा में होती है। कल्पना वाज सेल्फ विल्ड, ऑब्स्टिनेट, फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप एंड स्मार्ट। पीपल लाइक द पुलिस ऑफिसर एंड द डॉक्टर्स पेंट हर एज अ टेंटेड यंग वुमेन। और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी उसके साथ में नहीं होते हैं, वो भी उसे गलत ही मानते हैं, गलत नजरों से ही देखते हैं। देन ये थी कल्पना के बारे में। लास्ट में बताऊं तो शकुताई ब्लेम्स कल्पना, खुद की मदर उसकी ब्लेम करती है कल्पना को कि उसने अपने खुद के ऊपर डिजास्टर ले आया। बिकॉज वो ड्रेस करती थी अपने आप को अच्छे से, नेल पॉलिश यूज करती थी, लिपस्टिक यूज करती थी एंड अट्रैक्ट करती थी मेल गेज। बट उसकी मॉम जो भी, उसकी मदर जो भी बोले, उर्मी समझती है कि कल्पना को लाइफ बहुत पसंद था, वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती थी। ये क्राइम नहीं है अपने लाइफ को एंजॉय करना, स्मॉल प्लेजर्स को एंजॉय करना कोई क्राइम नहीं होती। तो उर्मी काफी मेच्योर है इन सब मामलों में और उसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। सो दैट वाज ऑल। यूनिट यूनिट 4 भी एंड हो गई ब्लॉक 2 की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।